लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में प्रधानमंत्री के लिए कौन चेहरा होगा यह अभी तक साफ नहीं है। मायावती बहुजन के साथ महिला हैं। देश में इंदिरा गांधी के बाद किसी महिला को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, इसलिए बसपा कार्यकर्ता साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाएंगे, ऐसा फिर नहीं मिलेगा मौका, बसपाई आजकल यही गीत गुनगुना रहे हैं। एक ऑडियो कैसेट भी जारी हुआ है जिसमें मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जुलाई में लखनऊ और कानपुर के मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यह मामला जोर शोर से उठ चुका है। बसपा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया जा चुका है। बसपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वह गांवों में जाकर लोगों को बसपा की उपलब्धियां गिनाएं और लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की खामियों को भी बताया जाए, जिसमें खासकर बहुजन हितों की होने वाली अनदेखी को जरूर बताया जाए, जिससे देश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में गुमराह ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।